दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक फीचर के बारे में जिसके बारे में ऑलमोस्ट 80% लोग जो है नहीं जानते, और जो जानते भी है उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में इसका यूज जो है क्यों और कैसे किया जाता है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी फीचर के बारे में। इस फीचर का नाम है एक्सपोर्ट चैट। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हो या फिर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो ऐसे में आपने अपने व्हाट्सएप के अंदर किसी प्रोफाइल के अंदर उसके सेटिंग के अंदर जो है एक ऑप्शन देखा होगा एक्सपोर्ट चैट का। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो फीचर है ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है ये फीचर जो है आपके लिए हो। कैसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं नजीरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस फीचर का दोस्तों आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके व्हाट्सएप में कोई नंबर है जो कि आपका काफी क्लोज है, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा चैट करते हो, ठीक है। अगर मान लो उसके साथ आपने बहुत ज्यादा फोटोज, वीडियोज या टेक्स्ट मैसेज आपने चैट किए हैं और बाद में आप उन मैसेजेस को जो है निकाल के अलग से रखना चाहते हो, मान लो इन फ्यूचर के लिए कि बाद में मैं उस मैसेज को पढ़ सकूं आराम से, या फिर उसको देख सकूं, या फिर मैं बाद में उसको देख के याद कर सकूं उस मोमेंट को, तो ऐसे में यहाँ पे आपको हेल्प करता है एक्सपोर्ट चैट। एक्सपोर्ट चैट जो है वो सारे जो मैसेजेस है इंक्लूडिंग मीडिया, अब मीडिया का मतलब है फोटोज और वीडियोज के साथ में, तो पूरा फाइल जो है आप निकाल के उसको रख सकते हो। आपके जो मैसेजेस है वो टेक्स्ट फाइल के रूप में रहेंगे और जो फाइल्स है वीडियोज फाइल फोटोज वो सारे उसी फॉर्मेट में होंगे। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। मान लो कि आप हो और आपके कोई फैमिली मेंबर है या फिर आपके कोई घर के कोई लोग है जिसके ऊपर आपको डाउट है, या फिर कि वो किसे चैट कर रहा है, दिन भर किसे बात कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर नंबर है वो किसे इतने देर चैट कर रहा है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो ऐसे में अगर मान लो आप उसका 2 मिनट के उसके लिए फोन लोगे तो क्या आप उसका 2 मिनट के अंदर उसका चैट पर पढ़ सकते हो? इम्पॉसिबल, नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है एक्सपोर्ट चैट, आप उसका डेटा को जो है चुरा सकते हो। कैसे? आप 2 मिनट के अंदर उसका उसको उस प्रोफाइल के अंदर जाके उसमें एक्सपोर्ट चैट करके उस चैट को जो है आप अपने व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर सकते हो। उसके बाद जो है बाद में आप अपने व्हाट्सएप से उसको एक एक करके डाउनलोड करके आराम से उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये तो था एक्सपोर्ट चैट होता क्या, इसके बारे में हम समझ लिया। अब इसको यूज करना कैसे है, क्या क्या स्टेप है, तो आइए अब इसको हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो है आपको अपने व्हाट्सएप के 3 डॉट है इस पे आना है, उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोर का, इस मोर वाले पे ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे जो चौथे वाले आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट चैट, इस पे आपको जाना है। तो फिलहाल मैंने अपने व्हाट्सएप में एक नंबर को सेलेक्ट किया है, इसके साथ मैंने जितना भी चैट किया है ये सारे चैट को जो है मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट फ्रेंड्स इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो डॉट 3 डॉट पे आते हैं, उसके मोर पे आते हैं, फिर एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे कह रहा है इंक्लूडिंग मीडिया विल इंक्रीज द साइज ऑफ द चैट एक्सपोर्ट, ये कह रहा है कि विदाउट मीडिया और इंक्लूड मीडिया। अगर विदाउट मीडिया का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोटोज और वीडियोस, अगर फोटोज वीडियोस के साथ में अगर चैट को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका फाइल साइज जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, और अगर आप फोटो वीडियोस को नहीं लेते हैं सिर्फ अपन टेक्स्ट मैसेज को लेते हैं तो वो उसका फाइल जो काफ़ी छोटा होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको फोटो वीडियो के साथ में दिखाता हूँ करके, ठीक है। इंक्लूडिंग मीडिया, मैंने इंक्लूडिंग मीडिया किया। अभी देखो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे इतने सारे जो भी ऑप्शन दिखाई रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे में कहीं भी आप इसको सेंड कर सकते हो, या तो ब्लूटूथ से किसी को सेंड कर सकते हो, या फेसबुक में अपने मैसेंजर में भेज सकते हो, या फिर जीमेल में जीमेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर गूगल ड्राइव में डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी सब में करके नहीं दिखाऊंगा, मैं मान लो कि मैं अपने व्हाट्सएप में सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो मान लो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप में किया, उसके बाद मान लो कि मेरा इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर कोई है, ठीक है। मान लो सपोज करो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर मान लो एक मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मेरा, वेट जरा सा वेट, मान लो मैं अपने व्हाट्सएप में ओपन किया, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे ही सेंड करूँगा तो देखो ये सेंड हो गया सारा का सारा इमेजेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप चैट विथ करण जो भी नाम से है वो TXT फाइल में जो है सेव हो गया। अब मैं मेरे जो इस फ़ोन का जो काम ख़त्म हो गया, अब मैं जाऊँगा अपने वाले फ़ोन में और वहाँ से अपना व्हाट्सएप ओपन करूँगा और इन सारे फाइल्स को डाउनलोड कर लूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैसा दिखता है चैट फाइल। मान लो कि मैं WPS ऑफिस में खोलता हूँ तो वो चैट देखो कैसा दिखता है जब आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। वेट, यहाँ पे ये ऐड आ रहा है, एक मिनट, जस्ट वेट। देखो ये सारा ओपन हो गया, सारा ओपन हो गया। अभी आप देख सकते हैं डेट और टाइम के साथ दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये नजीरुद्दीन अहमद है, मैं हूँ, मैंने उसको सेंड किया था मैसेज हैप्पी न्यू ईयर,
फिर उसके उसने सेंड किया था सेम टू यू भाई, मतलब सिंपल वन बाय वन करके आप जो है अगर देख सकते हो किसने फोटोज भेजा, किसने क्या मैसेज भेजा, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सपोज़ करो व्हाट्सअप में आया और ये जो फोटोज़ मैंने उनको भेजा था, ये मेरी खुद की फ़ोटो है तो मैंने उसको भेजा था, ये फ़ोटो सेंड किया था, तो ये फ़ोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैंने कोई वीडियो का सेंड किया होता तो वो वीडियो भी फाइल भी यहाँ पे सारा आपको दिखाई दे देता। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों, अगर यूज़ नहीं करते हो तो इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना कमाल का फीचर है, आपके व्हाट्सएप में ये फीचर होते हुए भी आपको पता नहीं है, या फिर पता भी है तो आपने कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो नहीं यूज़ किया है तो आज से यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये काफ़ी कमाल फीचर है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप में चाहे तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।